हंसता खेलता परिवार अब एक दर्द भरी तस्वीर बनकर रह गया है। कानपुर से आई इस खबर ने हर किसी को सकते में डाल दिया है, जहां डॉक्टर सुनील ने अपनी पत्नी, बेटा और बेटी को मौत की नींद सुला दी। इस खौफनाक कदम को उठाने से पहले डॉक्टर सुनील ने डायरी में लिखा, अब लाशें नहीं गिननी है। डॉक्टर सुनील ने यह कदम क्यों उठाया, उसकी वजह जानकर भी पुलिस हैरान है। डॉक्टर सुनील का ये वही सुसाइड नोट है जिसमें मरने से पहले डॉक्टर ने लिखा है, अब लाशें नहीं गिननी है। इसके आगे ओमिक्रॉन लिखा है। डॉक्टर ने आगे लिखा है, अपनी लापरवाहियों के चलते करियर के उस मुकाम पर आकर फंस गया हूं, जहां से अपने परिवार को खत्म करके खुद को भी खत्म कर रहा हूं। सूचना मिली है कि कल्याणपुर थाना अंतर्गत इंदिरा नगर में डिविनिटी होम अपार्टमेंट में एक मर्डर की सूचना मिली थी, तो हम लोग सारे अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्राथमिक विवेचना में यही दिखा कि यहाँ पे एक महिला, उनकी पुत्री और पुत्र तीनों मरे हुए हैं, उनके डेड बॉडीज दिख रहे हैं। और ये जो घर है, मतलब महिला का पति जो है डॉक्टर सुनील, उनके भाई को एक मैसेज व्हाट्सएप में किया है। उस मैसेज में उनका ये कहना है कि मैंने डिप्रेशन में ऐसा घटना किया है। और यहाँ पे एक और डायरी मिली है जिसमें कुछ इसी घटना को संबोधित करते हुए, घटनाक्रम को बोलते हुए कुछ लिखा हुआ है। प्राथमिक विवेचना में यही हमें मिला है, विवेचना चल रही है, जो भी आगे डिटेल्स मिलेंगे हम आपको अवगत कराएंगे। रामा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के पद पर तैनात सुशील सिंह ने पत्नी चंद्रप्रभा, बेटा शिखर और बेटी खुशी की हत्या की है। सुसाइड नोट से पता चला है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से डॉक्टर सुनील डिप्रेशन में थे। वारदात को अंजाम देकर डॉक्टर सुनील फरार है, पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे।